कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने आधी रात को बवाल काट दिया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड को भी हटा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरजी कर अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ भी की, जिसकी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और प्रदर्शनकारी फिर भी टस से मस नहीं हुए। लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर वहां भी नहीं माने, वो अस्पताल के अंदर तक घुस गए और अस्पताल के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। देखिए, 9 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को सीबीआई को जांच सौंपी गई थी, जबकि 14 अगस्त से सीबीआई की टीम कोलकाता में पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जो जांच है अब सीबीआई को यहां पर सौंप दी गई है और पूरे मामले की जांच इस वक्त फिलहाल सीबीआई के हाथ में ही है। लेकिन जो डॉक्टर्स का आक्रोश है वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। गुस्सा बहुत है, प्रदर्शन करने और सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, जिसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, गुस्सा यहाँ पर होना लाजमी है, लेकिन जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अब पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ चुका है, सीबीआई के हाथों में ये केस सामने आ चुका है। एक तरफ जहां राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं, कुछ और मांगों के साथ वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और साथ ही चाहते हैं कि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रदर्शनकारी किस तरीके से आक्रोशित हैं और जो उनका आक्रोश है वो सड़कों पर साफ जाहिर भी हो रहा है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन बैरिकेड्स तोड़कर प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनको रोकने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पुलिस की गाड़ी को ठीक करते हुए पलटते हुए वापस यहाँ पर पुलिस आपको दिख सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसके बाद उसको पलट कर वो वहां से चले गए। देखिए, एक वीडियो भी अभी सामने आया था जिसमें ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव नजर आया था, धुंधली कर वो तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई भी थी। मकसद ये था कि किस तरह से इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। उस हॉल की तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां सब कुछ टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ नजर आया था, जो अपने आप इस पूरी घटना और वारदात की कहानी कह रहा था चीख चीख कर कि किस तरह से महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दरिंदगी होती है, उनकी हत्या यहां पर कर दी जाती है। और देश भर के लोगों में भी, डॉक्टरों में भी गुस्सा है कि अगर जिंदगी देने वाले ही महफूज नहीं होंगे, उनकी जिंदगी पर खतरा मंडराएगा, तो वो कैसे मरीजों की देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि जब वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से गुस्से में देश भर के डॉक्टर्स हैं, जिन्हें भगवान कहा जाता है। और दिन भर तो ये प्रदर्शन जारी रहता ही है, लेकिन आधी रात की तस्वीर भी आप देखिए। जो दूसरी तस्वीर है वो आधी रात को प्रदर्शन की तस्वीर है। गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है। और डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं अस्पताल तो सबसे सुरक्षित स्थान होता है धरती पर, लेकिन उसके बावजूद वहां खुद डॉक्टर्स ही जब सुरक्षित नहीं है तो आगे वो किसी की सुरक्षा किस तरीके से कर सकेंगे। In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. और कोलकाता में हुए हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भीड़ बाहर से आई थी जिन्होंने अस्पताल पर हमला कर दिया। डॉक्टरों ने दावा किया कि धरने वाली जगह पर भी हमला हुआ। धरने वाली जगह पर भी किस तरीके से हमला यहां पर किया गया, ये डॉक्टरों का कहना है, जिसको लेकर तोड़फोड़ यहां पर हुई है। कोलकाता का ये वही अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं और हिंसा भी देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक रूप ये प्रदर्शन धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। इसी वजह से अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। तो कोलकाता हिंसा पर देखिए, कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। डॉक्टरों का गुस्सा और ज्यादा उबाल मार रहा है, पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग वो कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा को लेकर भी वो पूरी तरह से आश्वासन चाहते हैं, ताकि ऐसी दरिंदगी दोबारा किसी भी महिला डॉक्टर के साथ में या किसी के साथ में भी ना हो, क्योंकि कई बार मरीजों के परिजनों का गुस्सा भी उबाल मार जाता है, डॉक्टर्स को उसका सामना भी करना पड़ता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर डॉक्टर्स में गुस्सा बरकरार है।